कांग्रेस प्रत्याशी महेश जोशी ने जिला कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जोशी ने कांग्रेस की ओर से करवाए गए विकास कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ने की बात कही। साथ ही महेश जोशी ने जयपुर में रिंग रोड बनवाने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर से भाजपा का उम्मीदवार थोपा हुआ है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, ये कहना है महेश जोशी का। जोशी ने कहा है कि रामचरण बोहरा का नाम रायशुमारी में कहीं नहीं था, लेकिन एन वक्त उन्हें टिकट दिया गया। जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे कार्यकर्ताओं में एकजुटता है। हमारा कार्यकर्ता इस बात को महसूस करता है कि जो उम्मीदवार पार्टी ने दिया है वो उनका अपना उम्मीदवार है, थोपा हुआ उम्मीदवार नहीं है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में है।